स्टोरीज विद समीरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी है। आज के दिन जन्मे थे हिंदी साहित्य के महान कवि और रामचरितमानस के रचयिते गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी के लिए दर्शकों से निवेदन करती हूँ कि पिछले साल आज ही के दिन उनके जीवन की एक कहानी पर रिलीज किया गया वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग के वाल्मीकि कहलाते हैं। उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे गए रामायण को अवधी भाषा में, जो कि उत्तर प्रदेश की एक बोली भाषा है, इसमें लिखा और रामचरितमानस के रूप में सर्वसामान्य लोगों तक पहुंचाया। उनका कहना था कि कलयुग में राम का नाम लेना सर्वश्रेष्ठ होता है। राम का नाम जपने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। अपने एक दोहे में वे कहते हैं, राम भरोसे राम बल, राम नाम विश्वास। राम भरोसे राम बल, राम नाम विश्वास। सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। अर्थ है, सिर्फ राम पर ही मेरा विश्वास रहे, राम का ही बल रहे और जिसके स्मरण मात्र से शुभ मंगल और कुशल की प्राप्ति होती है, ऐसे राम नाम पर मेरा भरोसा रहे। तो चलिए, आज गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म दिवस पर इसी दोहे पर आधारित उनके जीवन की एक कहानी सुनते हैं। संत तुलसीदास जी श्री राम के परम भक्त थे। बनारस के कई धार्मिक और धनवान लोगों ने उनसे दीक्षा ली थी। वे लोग संत तुलसीदास जी के आश्रम में विविध पकवान और मूल्यवान वस्तुएं भेंट स्वरूप लाया करते थे। हर प्रकार के लोग उनके आश्रम में आते, भोजन करते और तृप्त होकर चले जाते। एक दिन कई ब्राह्मण अतिथि उनके आश्रम भोजन करने आए। भोजन की सारी तैयारियां हो चुकी थी, बस भगवान को भोग लगने ही वाला था कि एक अनजान ब्राह्मण द्वार पर आ खड़ा हुआ। वह अनजान ब्राह्मण बोला, जय सियाराम, मैं ब्राह्मणों का बड़ा हत्यारा हूँ। मुझे अभी इसी वक्त अतिथियों को परोसे जाने वाले भोजन में से कुछ हिस्सा दे दो। ये शब्द सुनते ही संत तुलसीदास जी बाहर आए और उस अनजान ब्राह्मण को गले लगाया, उसे आश्रम के अंदर ले आए और कहा, हे स्वामी, जिस क्षण आपने राम का नाम लिया, उसी क्षण आपके सब पाप धुल गए, नष्ट हो गए। फिर संत तुलसीदास जी ने वहां बैठे हुए अतिथियों से कहा, कृपया आप सभी अन्न का सेवन करें। पर सारे अतिथियों ने अनजान ब्राह्मण की बात सुन ली थी और सब क्रोधित हो उठे। अतिथियों ने संत तुलसीदास जी से प्रश्न किया, आप इस हत्यारे को हमारे साथ भोजन के लिए कैसे बिठा सकते हैं? ये हमारा अपमान है। तब संत तुलसीदास जी ने उन्हें समझाया कि इस हत्यारे का पाप राम का नाम लेने से नष्ट हो गया। जब इसने पहले राम का नाम लिया है तो इसके हाथों कोई बुरी घटना हो ही कैसे सकती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कलयुग में नाम जाप या ईश्वर का नाम जाप करने से बहुत फायदा होता है, उसका अनन्य साधारण महत्व है। हर कार्य की सिद्धि ईश्वर का नाम लेकर ही पूरी होती है। पर अतिथियों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने संत तुलसीदास जी से इसका सबूत मांगा, कहा कि अगर तुम कहते हो कि राम नाम में इतनी शक्ति है, तो क्या ये नंदी की मूर्ति परोसा हुआ भोजन खा सकती है? संत तुलसीदास जी ने फिर एक पत्तल में भोजन लिया और भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़े। नंदी की मूर्ति के आगे भोजन रखते हुए प्रार्थना की, हे नीलकंठ, यदि ये सत्य है कि विष पीने के पश्चात आपका शरीर जो उत्तेजित हो उठा था, राम का नाम लेते ही शीतल हो गया, तो आपकी नंदी इस अन्न का सेवन करे। दोस्तों, कहा जाता है कि जैसे ही ये प्रार्थना की गई, नंदी की मूर्ति जीवित हो उठी। उसने सारा भोजन खत्म किया और फिर मूर्ति बन गई। यह चमत्कार देखकर सारे लोग अचंभित रह गए। सब संत तुलसीदास जी के गुण गाने लगे
उन्हें वाल्मीकि का अवतार मानने लगे। संत तुलसीदास जी को नमन किया। फिर सभी ने उस अनजान ब्राह्मण को अपने साथ लिया और भोजन करने लगे। दोस्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी, जो कि राम नाम का ईश्वर जाप का महत्व बताती है, आपको पसंद आई होगी। स्टोरीज विद समीरा से जुड़ने के लिए कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।